कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल नागिन 3 की कहानी में एक के बाद एक लगातार कई सारे धमाकेदार ट्विस्ट आते जा रहे हैं। थोड़े ही समय पहले सीरियल में एंट्री हुई है हुजूर की, और ये हुजूर कोई और नहीं बल्कि नकली रूही है जो अपने आप को असली रूही बताकर बेला को झूठा साबित करने में लगी हुई है। हाल फिलहाल के सीरियल के ट्रैक में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से रूही को माहिर ने ये कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो उससे शादी करके रहेगी। उसने बेला से नागरानी का ताज भी छीन लिया है। वहीं अब वो माहिर को बेला से छीनकर उसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है। और इस बीच सीरियल में एक नए चेहरे की एंट्री भी हुई है हुकुम के रूप में। ये हुकुम ही है जो रूही और सुमित्रा को अपने इशारों पर नचा रहा है, जो इन दोनों से हर वो काम करवा रहा है जो वो करवाना चाहता है। यही है बेला का सबसे बड़ा दुश्मन, सीरियल की कहानी का असली मास्टरमाइंड। वहीं हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है ये हुकुम, हुकुम के पीछे कौन है असली चेहरा। जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में हाल फिलहाल एक नई एंट्री हुई है। सूत्रों की माने तो ये नई एंट्री किसी और की नहीं बल्कि टेलीविजन एक्टर शौर्य की हुई है, जो सीरियल में हुकुम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हुकुम का किरदार कोई और नहीं बल्कि माहिर के पिता एंडी ही अदा कर रहे हैं। वैसे सीरियल के हाल फिलहाल के ट्रैक में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से रूही ने बेला पर हमला किया है, और एक बार फिर से बेला का माहिर उसे भूल बैठा है। बाकी अब आगे सीरियल की कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा इसका पता वक्त आने पर चलेगा। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।